सलमान खान ने पाकिस्तानी एक्टर्स के इंडिया में काम करने को लेकर सपोर्ट क्या कर दिया, देश में बवाल मच गया। सलमान के बयान पर सबसे पहले शब्दों का हमला बोल दिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लीडर राज ठाकरे ने, और अब इस राजनीति में कूद पड़े हैं समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी, जिन्होंने सलमान के बयान को अपना फुल सपोर्ट दिया। अबू आजमी क्रिटिसाइज शिवसेना, सेइंग दैट इफ द पार्टी इज रियली बॉदर्ड अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, इट शुड टॉक टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आई डोंट थिंक सलमान खान सेड एनीथिंग रॉन्ग, नॉर आर हिज स्टेटमेंट्स हार्मिंग आवर सेंटीमेंट्स। आई वुड लाइक टू से टू द शिवसेना टू टॉक विद नरेंद्र मोदी, दे आर द अलाइज ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज देयर गवर्नमेंट विच हैज इशूड वीजास टू देम। आई एम अनेबल टू फैथम देयर थिएट्रिक्स गिवन द फैक्ट दैट द बस कनेक्टिंग इंडिया एंड पाकिस्तान इज स्टिल रनिंग। Both the country's ambassadors haven't been called, Azmi told a leading news agency. बयानबाजी और राजनीति के बीच सलमान खान और उनके स्टेटमेंट्स को फंसना कोई पहली बार नहीं है। नेशनल इश्यूज पर जब भी सलमान या कोई भी सितारा कुछ भी कमेंट कर दे, वो अपने आप में एक पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता है। इन सब के बीच सलमान को तो यही चाहिए कि देश में अमन और शांति बनी रहे। What would be your opinions on the current affairs in the country? Post your comments below.